सगळ्यात पहिला क्वेश्चन तो स्टार्ट करायच्या आधी आपण काम करू, सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला सांगतो की रॅशनल नंबर म्हणजे काय। त्याच्यात क्वेश्चन आला, त्यांनी म्हटला ही झिरो रॅशनल नंबर, आपल्याला पहिले तर रॅशनल नंबर म्हणजे काय माहिती पाहिजे। कोण सांगेल रॅशनल नंबर कोणता असतो, कोणाला म्हणायचं रॅशनल नंबर? जे वाटतं तुम्हाला, जे माहिती आहे सांगू शकता। हा कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, अनम्यूट कर दो, बताओ, कोई भी बताओ। A rational number is which that can be expressed in p by q form where q is not equal to 0. Very good, correct. म्हणजे जो पण नंबर आपण फ्रॅक्शनच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो पी बाय क्यू फॉर्म, या फॉर्म मध्ये जो नंबर आपल्याला लिहिता येतो त्या नंबरला आपण वी कॉल इट एज अ रॅशनल नंबर। अब इसमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है इसमें p एंड q ये होते हैं इंटीजर्स, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर q जीरो रहेगा तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। दिस इज नॉट डिफाइंड, इसका तो आंसर ही नहीं निकलता है, दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो डिवाइडेड बाय वन इट इज जीरो, कोई इशू नहीं, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर को हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जीरो न हो, पी एंड क्यू अगर इंटीजर्स, उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। ओके, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, आप लोग मेरे को बताओ कि जो मैंने लिखा है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। 8/5 रैशनल है। ओके, -3/7 है, जीरो अब जीरो को मैं पी बाय क्यू में लिखना अगर है तो कैसे लिखूंगा? 0/1 लिखूंगा, तो लिख सकते हैं पी बाय क्यू। अच्छा सबसे पहले ये बताओ इसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, अच्छे से क्लियर है? यस सर। ओके चलो बढ़िया। -8/0 नो, ये नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि ये तो मीनिंगलेस हो गया, नॉट डिफाइंड हुआ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हमारा नहीं है। ओके ठीक है, अब बताओ 25.6 इज दिस अ रैशनल नंबर? यस सर। यस, लेकिन इसको अभी इस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये रैशनल है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना? कैसे लिखेंगे? अगर मुझे ऐसे लिखना होगा तो मैं क्या करता, इसको पॉइंट निकाल देता, नीचे 10 ले लेता, 256/10, तो आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसको भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल। तो अब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इरेशनल नंबर। ये दोनों नंबर रियल नंबर के क्लासिफिकेशन, रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर और इरेशनल। अब मैं आप लोगों को इरेशनल कौन से नंबर वो बताता हूं, तो बचे हुए फिर सारे ही नंबर रैशनल है। इरेशनल किसको बोलेंगे? नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसा नंबर जो रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला, तो जो नॉन रिकरिंग है रिपीट नहीं होता और नॉन टर्मिनेटिंग है खत्म भी नहीं होता, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल। एग्जांपल 6.05030402010708... बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 का मतलब हुआ ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। रिकरिंग नंबर कैसे होता था? रिकरिंग नंबर इस प्रकार से लिखा होता, 2.565656 रिपीट होते जा रहा है, 5656556 रिपीट हो रहा है,
कभी कभी एक ही संख्या रिपीट होती है, थ्री थ्री थ्री, कभी कभी बहुत ज्यादा संख्या भी रिपीट हो सकती है, 0685 0685, कितना भी ग्रुप रिपीट हो सकता है। तो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है, तीनों नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो दिस नंबर इज अ रैशनल। तो इरेशनल कौन सा होगा है, जो खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। तो फिर बचे हुए सारे ही नंबर रैशनल नंबर हो गए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबर देखो सारे रैशनल, कोई भी नंबर, ये मैंने लिखा दिस इज रैशनल नंबर, पॉइंट वाला ये वाला नंबर रैशनल नंबर, ये खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 5 6 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल। तो सारे नंबर रैशनल हो गए, सिर्फ जो खत्म नहीं होगा रिपीट नहीं होगा वो हुआ इरेशनल। अब सवाल था कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा रूट वाला है तो फिर क्या करें, रूट 16 आपको पता है इसके फैक्टर्स में निकाल देता हूं, मुझे पता है कि ये 4 का स्क्वायर है, इसलिए सिर्फ 4 × 4 ही। अब ये हम लोगों ने आठवीं में किया है कि जो संख्या 2 टाइम्स आएगी वो रूट के बाहर निकल जाएगी, स्क्वायर रूट है, तो 4 आ गया आंसर। अब 4 तो 4/1 है, 4 is 4/1, ये दोनों इंटीजर्स है, इसका मतलब मैंने इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया है, रूट 16 को तो मैंने पी बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया जहां पे पी क्यू दोनों ही इंटीजर है, इसका मतलब रूट 16 जो है इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रूट 16 का आंसर आ रहा है 4। अब वही क्वेश्चन अगर मेरे पास होता है रूट मान लो फॉर एग्जाम्पल 8, फैक्टर्स में ये निकाले 2 2 4 2 2 8, जो संख्या डबल आएगी वो तो बाहर निकलेगी, तो बाहर निकल गया, लेकिन ये 8 2 तो वैसे ही बचा ना रूट के अंदर, वे रूट तो वैसे ही रहा। तो इसको अगर मैं लिखूं भी न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसके नीचे 1 तो मैं लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें से 2 और 1 ही तो इंटीजर है सिर्फ, ये रूट 2 कहां इंटीजर है, रूट 2 थोड़ी इंटीजर, इसका मतलब इस नंबर को मैं पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता जहां के पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, यहां पे रूट 2 इंटीजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये हुआ इरेशनल। सिंपल भाषा में कैसे याद रखोगे कि रैशनल कौन सा इरेशनल कौन सा, सीधा सिंपल याद रखो, जहां पे रूट चले जाएगा रूट गायब हो जाएगा, यहाँ पे रूट गायब हो गया रूट निकल गया वो हो गया रैशनल, और जहां पे रूट वैसे ही है रूट जा नहीं रहा है वो हो गया इरेशनल। अब देखो और एक एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट है ध्यान से, 3 3 9 3 27, अब क्यूब रूट में जो संख्या 3 बार आएगी वो रूट के बाहर निकलेगी, ये 3 बार आया रूट के बाहर निकल गया रूट गायब, रूट गायब जहां होगा वो नंबर होगा रैशनल नंबर। अब वही क्वेश्चन और एक यहां पे देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 54 मिलियन है, फैक्टर्स लिखते 3 3 9 3 27 2 54, जो संख्या 3 बार आएगी बाहर निकलेगी, ये 3 तो निकल गया बाहर लेकिन ये 2 जो है वो रूट के अंदर ही रह गया, रूट वैसा ही है रूट नहीं गया, इसका मतलब इट इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल। सिर्फ इरेशनल याद रखो, अपने आप बचे हुए सारे रैशनल, इरेशनल कौन सा रहेगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, जो खत्म भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा, अगर पॉइंट में क्वेश्चन दिया है तो खत्म नहीं हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है वो हो गया इरेशनल, और अगर रूट वाले फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया है तो ये देखना है कि रूट गायब हो रहा है, रूट कैसे गायब होता है, अगर मान लो स्क्वायर रूट है तो जो संख्या 2 बार आती है वो के बाहर निकल जाती है, रूट यहां से चला गया तो वो फिर हुआ रैशनल नंबर, लेकिन अगर रूट गायब नहीं हो रहा है रूट वैसे ही है तो दैट मीन्स इट इज एन इरेशनल। ओके, कई कंफ्यूजन है सांगा, ओके चला एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या, रैशनल इरेशनल। अभी हमारा पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है क्या बताओ, और फिर आगे उन्होंने
बोला बोला हुआ है उसने कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर फिर आया हमारा कि जीरो रैशनल नंबर है क्या, हम लोगों ने कहा यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज हम लोग उसको लिख सकते हैं ना जीरो को जीरो बाय वन, वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स, जीरो और वन इंटीजर्स है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रैशनल नंबर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, थोड़ा सा मैं और इसको ऐड कर देता हूं, जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय वन, दैट इज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q की तरह m by n लिख सकते हो, a by b लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल्स कोई भी यूज करो। p by q वेयर p q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है देखो, p and q आर इंटीजर्स और उसमें से डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजन है बताओ? ओके चलो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक मार्क भी आएगा। रैशनल नंबर इरेशनल अगर नंबर अगर हम लोगों को पता है तो आराम से क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। इरेशनल मैंने सिर्फ बताया कि वो याद है, इरेशनल किसको बोलते हैं, जो खत्म नहीं होता, रिपीट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सिर्फ रैशनल, बाकी सारे नंबर रैशनल। तो फिर बिटवीन थ्री एंड फोर मुझे सिक्स रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर आर, देखो मैंने लिख दिया 3.1, 3.2, 3.568, 3.789, जितने पूछा है कोई भी लिख सकते हो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ऐसे भी लिख सकते हो, जो नंबर लिखना है लिख सकते हो। तो ये अपना आंसर आ गया। इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 को 3 बाय 10 और 4 को क्या लिख सकता हूं 4 बाय 10 लिख सकता हूं क्या, ऐसे ये तो गलत हो गया, 3 को 3 बाय 10 कैसे लिखूंगा, 3 बाय 10 को आंसर तो 0.3 आएगा, 3 को 3 बाय 10 कैसे लिखूंगा, 30 बाय 10 को लिख सकता हूं ना, 3 को 30 बाय 10 लिख सकता हूं, 4 को 40 बाय 10 लिख सकता हूं। अब देखो 30 बाय 10 और 40 बाय 10 के बीच में 6 नंबर्स मिल जाएंगे क्या आराम से, देयरफॉर 6 नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30 बाय 10 एंड 40 बाय 10 आर 31 बाय 10, इसको डिवाइड करोगे तो 3.1 आने वाला है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था, 31 बाय 10, 32 बाय 10, 33 बाय 10, 34 बाय 10, 35 by 10 और 36 by 10, हमको 6 ही उन्होंने पूछा हुआ, इसी को 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 बोलते हैं। कंफ्यूजन है कहीं? और जो आधी लीला हो तो तसे डायरेक्ट लिखू शकतो? बिल्कुल गाइस, प्रॉब्लम है बात, जब इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स और मोर देन 2 मार्क्स तो फिर ये करना पड़ेगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया और बोला कि 6 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर लिखो, एक मार्क का आया तो अपने मन से डाल दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, निकाल दो फोटो एक। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5 इसके बीच में हमको उन्होंने बोला है 5 रैशनल नंबर ढूंढो।
बहुत आसान है, देखो 3 बाय 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 बाय 5 को मैं लिख सकता हूं 30 बाय 50 बराबर, दोनों को मैंने 10 से इनटू कर दिया ऊपर और नीचे, और सिमिलरली 4 बाय 5 को मैं लिख सकता हूं 40 बाय 50। अब 30 बाय 50 40 बाय 50 के बीच में हम लोगों को 5 नंबर चाहिए, तो देयर आर 4 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30 by 50 and 50 by 50, answer आ गया 31 by 50, 32 by 50, 33 by 50, 34 by 50, 35 by 50, 39 by 50, हो गया answer, question खत्म, confusion? अब सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डिनोमिनेटर हमको सेम चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको ऐसे ही कर सकते हो करके, 3 बाय 5 और 4 बाय 5 के बीच में अगर संख्या हमको पूछी है, मैंने क्या किया था कि 3 बाय 5 4 बाय 5 को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, जरूरी नहीं कि 10 से ही करना चाहिए, मैं 5 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, 15 से कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और नीचे तो मेरा नंबर बनेगा 45 by 75। यहाँ पे भी फिर 15 से ही करना है, इतना याद रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना हमारा, यहाँ पे 5 था, 5 को मैंने इनटू 15 किया है, तो यहाँ पे भी नीचे 5 है, मुझे इनटू 15 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इनटू 15 किया तो मेरा नंबर बनेगा 4 by 5 का, इसको इनटू 15 नीचे ऊपर किया नंबर बना 60 by 75। अब एक नंबर है 45 by 75, एक है 60 by 75, इसके इसके बीच के पांच नंबर हम लोग बता देंगे 46/75, 47/75, 48/75, आखिरी का 59/75, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो कोई भी हम लोग नंबर्स बना सकते हैं। अब मैं 3 बाय 5 4 बाय 5 को अगर मुझे डिनोमिनेटर 100 में कर देता तो उसके लिए मैं क्या करता, इसको इनटू 20 कर देता, डिनोमिनेटर हो जाएगा 100, ये हुआ 60 बाय 100, और 4 बाय 5 को भी मैंने इनटू 20 कर दिया ताकि डिनोमिनेटर मेरा सेम। अब देखो ये 60 बाय 100 है और ये 80 बाय 100 है, इनके बीच के पांच नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 60 बाय 100 एंड 80 बाय 100 आर 61 बाय 100, 62 बाय 100, 63 बाय 100, 64 बाय 100, 65 बाय 100, ऐसे करते करते आखिरी का 79 बाय 100। अब इसलिए जब आप लोग चेक करोगे पीछे आंसर, तो हो सकता है आपका आंसर मैच ही नहीं हो, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर 50 लेके भी आंसर निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर 100 लेके भी निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर और भी कोई लेके निकाल सकते हैं, तो इसलिए पीछे का आंसर मैच करने की कोशिश मत करना, जरूरी नहीं कि मैच होगा ही, कंफ्यूजन है कहीं, काटूंगा फोटो एक है, इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज को जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है, ऐसे उन्होंने बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने लास्ट टाइम आप लोग का देखा टेस्ट, आप लोग जब देते हो ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक है, तो आप लोग सिर्फ वो फिल इन द ब्लैंक है तो सिर्फ वो ही वर्ड लिखते हो, ट्रू फॉल्स है तो सिर्फ ट्रू लिखते हो, सिर्फ फॉल्स, ऐसे नहीं होता। आप लोग को स्कूल में बताया होगा मेरे ख्याल से कि अगर फिल इन द ब्लैंक है तो पूरा सेंटेंस लिखना है, जो ब्लैंक को आपने फिल किया है उसको अंडरलाइन करना है, लिखना पूरा सेंटेंस, ये बताया है स्कूल में कि नहीं बताया, बताया ना, लेकिन आंसर आप लोग सिर्फ बस वो एक वर्ड लिखते हो, ट्रू फॉल्स है तो सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स लिख देते हो, अपने को पूरा सेंटेंस लिखना है और उसके बाद सामने लिखना है ट्रू है कि फॉल्स है, इतनी कंची नहीं मारना है हर जगह, तो अपने को स्टेटमेंट लिखना है उसके बाद बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, अगर रीजन पूछा होगा तो रीजन भी बताना है, यहाँ पे बोला है गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स है, तो अर्जुन करेक्ट है कि नहीं सर? ट्रू ट्रू, रीजन
राधा रीजन ट्रू है का ट्रू है फॉल्स है ट्रू ट्रू है रीजन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफिनिट एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफिनिट वेरी गुड तो इसको हम लोगों ने लिख दिया ट्रू इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग एक काम करते हैं यहां पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर कौन से है और होल नंबर कौन से नेचुरल नंबर हुआ 1 2 3 इनफिनिट होल नंबर हम लोगों ने लिख दिया होल नंबर कौन सा है 0 1 2 3 इनफिनिट हो गया इसका मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये देख के ही पता चल रहा है कि हर एक जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे ही तो होल नंबर है ही अब और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि एवरी नंबर इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो इन द लिस्ट ऑफ होल नंबर इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रू है लेकिन अभी इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं हमने एक्सप्लेनेशन में दोनों नंबर ही लिख दिए यहाँ देख के ही पता चल रहा है कि जो भी नेचुरल है वो सारे होल अब क्वेश्चन नंबर उल्टा है मान लो ओके हमको बोला एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर ऐसा है तो फिर अब मीत कुमार बताओ एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर सर फॉल्स ये फॉल्स हो गया रीजन सर बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो अब इसका मतलब क्या है कि जो भी होल नंबर है वो सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर सारे होल नंबर जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल है अब उसमें एक एक्सेप्शन है ना कौन सा एक्सेप्शन है जीरो जीरो इज एन एक्सेप्शन तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स तो इसका रीजन लिखेंगे हियर जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर जीरो जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया फिर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से क्या दिया था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है मैं काम करता हूँ यहाँ पे इंटीजर और होल नंबर लिख देता हूँ कौन से पता चल जाए इंटीजर किसको बोलते हैं लोग नंबर लाइन वाली संख्या माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री पॉजिटिव भी निगेटिव भी इनफाइनाइट और होल नंबर तो हमको पता ही होल नंबर इज जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट ये भी अब सवाल क्या है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर जो भी इंटीजर है वो सारे होल नंबर है ऐसा ही है ना एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर अब ये इंटीजर है ना इंटीजर है लेकिन ये कहां होल नंबर है ये तो होल नंबर नहीं है ना तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ हमारा फॉल्स यहाँ पे रीजन में लिखेंगे एग्जाम्पल माइनस थ्री इज एन इंटीजर माइनस थ्री इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर वो होल नंबर थोड़ी और हम लोगों ने साथ में लिस्ट भी लिख दिया कि इंटीजर क्या होगा और होल नंबर क्या होगा कंफ्यूजन है उसी का उल्टा अगर क्वेश्चन होता तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर अगर ऐसे बोलते हैं कि जो भी होल नंबर है वो इंटीजर है तो फिर अब ये पढ़ने का बराबर होता कि नहीं एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर यस सर ओके ये हो गया ट्रू अब यहाँ पे जब ट्रू है तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन का अपने पास कुछ रहता नहीं हम लोग लिस्ट लिख देते हैं कि इंटीजर कौन से है इंटीजर में माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री और दोनों तरफ इनफाइनाइट और होल नंबर्स में जीरो वन टू थ्री अब यहां से एक स्टेटमेंट चाहिए तो और लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर अब यहां लिखेंगे कि ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ होल नंबर में जो भी लिस्ट है All the numbers also come in the list of integers. वो सारे इंटीजर में भी तो आते हैं तो therefore every whole number is an integer true.
ओके कंफ्यूजन ओके स्क्रीनशॉट ले लो. से लास्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. बोला हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. अब ये बताओ मुझे राधा मैडम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स रीजन बताओ, एक आधा एग्जाम्पल दो ऐसा कि इसको फॉल्स हम लोग क्यों बोल रहे हैं. Half is a rational number, but half is not a whole number. Kunsa? Half. Half, 1/2. Okay. 1/2 is a rational number, but not a whole number. अब rational number किसको बोलते हैं? जो number p by 2 में लिख सकते हैं, वो rational number है ना? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे उन्होंने बोला. होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर तो सिर्फ होता है 0, 1, 2, 3, ये वाले होल नंबर है. अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया 5/3. अब 5/3 तो रैशनल तो है क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, लेकिन इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर तो मेरा पॉइंट में आएगा. या फिर जैसे राधा ने बताया 1/2. अब ये 1/2 जो है अभी 1/2 जो है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? 0.5. 1/3 0.5. तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है. इसको और भी एग्जांपल दे सकते थे हम लोग, ऐसे भी बोल सकते थे जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है. तो राधा ने बताया, मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या 6.656565. ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? 6.656565 dot dot dot. This is non-terminating but recurring. Repeat हो रहा है. तो इसका मतलब ये rational है. ये rational है लेकिन ये whole number थोड़ी. ये भी लिख सकता हूँ. This is a rational number but not a whole number. तो बहुत सारे examples हम लोग देख. Example. ये लो एक screenshot इसका. Okay. 1.2 एक्सरसाइज. फिर से पहला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स वाला ही है. मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखा है, रीजन भी देना है, जस्टिफाई भी करना है. दो स्टेटमेंट लिखे. पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. जो भी इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है. तो अर्जुन ट्रू फॉल्स? सर ट्रू. ट्रू रीजन क्या लिखेंगे सर? रीजन असे असू शकतो जे इरेशनल नंबर म्हणजे जे नॉन टर्मिनेटिंग असतात आणि नॉन म्हणजे त्याचे नंबर्स रिपीट नाही होत. तर सर 6.6.5800 सर हे तर इरेशनल नंबर आहे, ते रिअल नंबर नाही होऊ शकत. एव्हरी इरेशनल नंबर इज अ रिअल नंबर. हे ट्रू आहे की फॉल्स आहे? म्हणून तू ट्रू म्हटलंस ना? हो सर. मग याचं रिझन तू थोडस रिझन बरोबर नाही येत आहे. परणिका रिझन? सर रियल नंबर में बोथ इरेशनल और रैशनल आते हैं. रियल नंबर में दोनों टाइप आते हैं. तो जो रैशनल है वो भी रियली होता है और जो इरेशनल है वो भी रियली होता है. जैसे आम जो है वो अलग अलग टाइप के आते हैं. बैगन पल्ली आम आते हैं, हापूस आम आते हैं, लंगड़ा होता है और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के आम होते हैं. तो लंगड़ा है तो वो भी आम ही है, हापूस है तो वो भी आम ही है. आम के ही दो टाइप्स है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ट्रू बिकॉज रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सो एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर. रियल नंबर ई ऑफ टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल. देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर
and every irrational number is also a real number. Confusion? Second question. Every point on the number line, पहले number line ले लेता हूँ, पूरे संख्या भी देता हूँ यहाँ. इसको लिखा हुआ ये हुआ टू, ये हुआ थ्री, यहाँ लिख लिया ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस, पूरे नंबर चलने लगे. Every point on the number line is of the form root m. यहाँ पे तो root ही नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टू को root फोर लिख सकता हूँ. root फोर मतलब टू ही होता है, एक ही बात हुई. 3 को रूट 9 लिख सकता हूँ, रूट 1 को 1 लिख सकता हूँ, रूट 1 इज 1, रूट 0 मतलब 0. अब इसका क्या करूँ, या फिर इसका क्या करूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ रूट 4 इज माइनस 2. ऐसे होता है कि नहीं होता है? माइनस ऑफ रूट, जैसे रूट 4 का आंसर 2 आता है, माइनस रूट फोर का आंसर माइनस टू आता है कि नहीं आता है, पता है? चलो, माइनस रूट फोर का आंसर नहीं निकलता, उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो अपने लिए कॉम्प्लेक्स है, अभी अपने अपने को नहीं. कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में जाके अपने पास रहेगा, ठीक है? इसको ऐसे कर देना, मैं अभी जस्ट एक बता देता हूँ, अपने को नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ. माइनस रूट फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन लिख सकते हैं ना, ऐसे फोर इंटू माइनस वन लिख सकते हैं ना, माइनस फोर को, ठीक है? अब मैं इसको दो रूट को सेपरेट कर देता हूँ, ये हुआ रूट फोर और ये हुआ इंटू माइनस वन. अब रूट फोर का तो अपने को आंसर पता है, आता है टू करके, और ये जो साथ में माइनस रूट वन है ना, इसको लिखते हैं आई. दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, इसको बोल